members of press, ladies and gentlemen. मैं सेक्रेटरीज और उनके डेलीगेशन और उनके स्टाफ के साथ जो हमारे बेहतरीन इंटरेक्शंस हुए हैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं उन्हें तहे दिल से हमारे बाइलेटरल रिलेशंस को लेकर कमिटमेंट के लिए भी मैं उनकी अपनी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ देयर कमेंट्स। इन द पास्ट इट शोज दैट आवर रिलेशनशिप्स हैव एक्सपेंडेड इन स्केल and we have had very meaningful talks this morning. It will help in the momentum and in also expanding and taking it forward. Both the nations are common and complementary, and we have shared goals which we would like to achieve, and we also have the shared will to achieve it. We have tried to see that we have talked on very many different dono ek free open inclusive aur rules based order common vision ko share karte hain hamari partnership indo pacific aur india ocean region mein shanti sthirta aur prosperity ke liye kafi mahatvapurna hai meeting ke dauran humne hamare pados aur india ओशन रीजन के हमारे असेसमेंट्स को भी शेयर किया है। इस बातचीत के दौरान आतंकवाद को भारत के खिलाफ बतौर इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट उपयोग करने की भी चर्चा कई बार हुई है। हमारे विस्तृत इंगेजमेंट से काफी महत्वपूर्ण नतीजे सामने आए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं जिनकी मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एग्रीमेंट यह भी संपन्न हुआ है। आने वाले समय में डिफेंस स्पेस और डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायलॉग्स के बारे में एग्रीमेंट। तीसरा, कई अन्य इनिशिएटिव्स और एग्रीमेंट्स जो कि डिस्कशन फेज में हैं, उनमें सार्थक प्रगति हमारी मिलिट्री इंगेजमेंट्स के स्कोप और डेप्थ को और बढ़ाने को लेकर हुई है और इस पर हमारी सहमति भी बनी है। पैंडेमिक के बावजूद हमारे मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज में भी काफी बढ़ोतरी हुई है और हमें इस बात की बेहद खुशी है। भारत ने बहरीन में स्थित मल्टीलेटरल कंबाइंड मैरिटाइम फोर्स को एसोसिएट पार्टनर के रूप में ज्वाइन किया है। यह हमारे पश्चिमी इंडियन ओशन में रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को यह मजबूत बनाएंगे। हम काम कासा के इम्प्लीमेंटेशन और बेका के प्रभावी ऑपरेशनलाइजेशन की दिशा में भी प्रगतिशील हैं। हमने रक्षा साइबर, डिफेंस साइबर और स्पेशल फोर्सेस फील्ड में और सहयोग बढ़ाने की भी बात की है। हमने लिमोआ और एसएडीआर के अंतर्गत ज्वाइंट एक्सरसाइजेज में लॉजिस्टिक्स कोऑपरेशन के स्कोप को एक्सपेंड करने के लिए भी बात की है। हम दोनों पक्ष हमारी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के क्लोजर एंगेजमेंट की दिशा में भी आगे बढ़ने के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमने डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव में स्पीडी डिसीजन और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रोसेसेस और प्रोक्योरमेंट्स रिव्यू करने का भी निर्णय किया है। मैंने अमेरिकन कंपनीज को डिफेंस, एरोस्पेस और मेक फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए भी आमंत्रित किया है। हम यूएस कंपनीज के साथ को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन प्रपोज करते हैं। हमने यूएस डिफेंस कंपनीज को यूपी और तमिलनाडु के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में और इन्वेस्ट करने के लिए भी अनुरोध किया है। पैंडेमिक के मुश्किल समय में यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने हमें काफी सहयोग दिया था। हम इस अवसर पर अपनी डीप एप्रिसिएशन को भी व्यक्त करते हैं और इस सिलसिले में सेक्रेटरी ऑस्टिन और सेक्रेटरी ब्लिंकन की लीडरशिप को भी हम धन्यवाद देते हैं। आज की डिफेंस बाइलेटरल मीटिंग एवं 2+2 मीटिंग भारत और यूएस के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंगेजमेंट को मजबूत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है
और ये हमें और एरिया ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ में बेहतर काम करने के लिए और समर्थ बनाएगा। हमारा बढ़ता सहयोग ग्लोबल कॉमन्स को फ्रीली एक्सेस कराने के लिए और शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा। मैं एक बार फिर से सेक्रेटरी ऑस्टिन और सेक्रेटरी ब्लिंकन को उनकी गर्मजोशी और इंडिया यूएस पार्टनरशिप को और बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग देने के लिए धन्यवाद देता हूं। हमने दोनों सेक्रेटरीज को म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम पर अगले 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के लिए भी आमंत्रित किया है। धन्यवाद।